हेलो गाइस, मेरा नाम है मन्नत और आप सभी को मेरी चैनल में वार्मली वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनने जा रहा है बिल्कुल ही सिंपल सा मटन करी, जिसके लिए आज मैं लाया हूँ 750 ग्राम मटन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब इसको मैरिनेट करने जा रहे हैं। क्या छोड़ोगे इसमें? इसमें छोड़ेंगे प्याज। कितना? 1/2 किलो के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 बड़े चम्मच। हल्दी, इधर हल्दी 1/2 चम्मच। एक छोटा 1 चम्मच धनिया, छोटा 1 चम्मच जीरा, छोटा 1 चम्मच लाल मिर्च, ये एकदम देसी टाइप का रेसिपी है ना? हाँ, बिल्कुल ही देसी रेसिपी है। शाही गरम मसाला कितना? थोड़ा सा, 1 छोटा चम्मच का भी आधा। दही 1 कप, 1 कप भर के। कुछ मिर्ची और लहसुन 1-2, जैसे भी जिसको अच्छा लगे। उधर सरसों का तेल, देसी टच, ये जरा सा खड़े मसाले, इसमें है थोड़े से जीरे, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग और 1 बड़ी इलायची। मटन के साथ खड़े गरम मसाले का बड़ा अच्छा ही एक रिश्ता है ना जी। 3 से 4 छोटी इलायची दे देंगे खुशबू के लिए। दो चम्मच भर के नमक दे देंगे, बस हो गया। ऊपर से हल्की सी कसूरी मेथी का टच। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अच्छा, ये मैरिनेट करके इसको 1 घंटे के लिए रख देना है ना? कढ़ाई में 1 कप के करीब तेल लिया है। अच्छा, इसमें अभी ऐड किया जाएगा तेज पत्ता, तो जिसको हम लोग तोड़ के लाते हैं डायरेक्ट अपने पेड़ से। तो ये है हमारा तेज पत्ते का छोटा सा पेड़, इसी में से ले चलेंगे 1-2 तेज पत्ते। निकला है ना नया? तेल में ऐड कर दिए 2-4 लाल मिर्च। ये वो तेज पत्ता जो पेड़ से तोड़ के लाया ना, लाल मिर्च और तेज पत्ता को सॉटे करने के बाद इसमें मटन ऐड होगा जी। डायरेक्ट मटन। अभी हम इसको ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसको खोलेंगे। तब तक आम के पेड़ दिखाते हैं। आज मौसम है बहुत ही सुहावना, हल्के हल्के से बादल हैं। ये है फूलों का पेड़। और हमारे इधर है आम का भी पेड़, एक नींबू का भी पेड़ है, आपको दिखाएं। इसमें निकले हुए हैं 2 और 2 उधर हैं। पेड़ बहुत सारे आम आ चुके हैं। हो चुका है 10 मिनट।
10 मिनट के बाद। ये तो अभी से ऐसा लग रहा है पक गया, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी इसमें ऊपर से ऐड होगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, ऊपर से देंगे टमाटर, ये 20 से 2 किए हुए टमाटो हैं, 3-4 टमाटो। इसको क्या करना है, इसको थोड़ा सा टाइम के लिए ढक देना है 5 मिनट के लिए, सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसका छिकल उठा लेंगे और मिर्ची के साथ पेस्ट बना लेंगे। तो 5-7 मिनट के बाद हम लोग आ गए हैं वापस, और अभी टमाटो जो है गल गया ना अच्छे से, सॉफ्ट हो गया। अभी इसका छिकल उठा लेंगे, एकदम ही इसे उठ गया है ना, ओके सभी उठा लेना है, किसी के अंदर मिक्स कर देना है अच्छे से, है ना। तो टमाटो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब जो है तले हुए प्याज थे जो मैंने पहले ही तल लिया था, तो इसका आधा मैं अभी कढ़ाई में ऐड करने जा रही हूँ और आधा का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो इसमें है फ्राइड ओनियन थोड़ा सा, हाँ। फ्राइड ओनियन और वो जो टमाटो को जो है बॉयल किया था करी में, है ना, वो 2-3 पीस अलग करके रख लिए, और 6-7 ग्रीन चिली, इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट बना के वो भी इसी में ऐड किया जाएगा। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो गया, अब इसको छोड़ते हैं मटन में। पेस्ट से जो है ग्रेवी बहुत ही रिच बनेगी, गाढ़ी गाढ़ी, है ना। और अच्छे से मिक्स करके अब क्या ढक के पकाना है। ये हमारा कुछ तला हुआ आलू है, पहले का रखा हुआ, मैंने पहले तल लिया था इसको, अभी मैं इस पर मिक्स कर दूंगी ऊपर से, और 1 कप के करीब इस पर पानी छोड़ दूंगी, बस सब रेडी। बस मैं ये ऊपर से पानी छोड़े रखी हूँ 2 बड़े कप के करीब, और आप ढक दूंगी, और चलिए आपको 15-16 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। दस से 12 मिनट के बाद हम लोग आए हैं, और अभी आप मैंने ढक्कन खोला, देखिए ये आया इसका लुक, और ये पूरी तरीके से तैयार है, परफेक्ट है एकदम। अच्छा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा आप नमक चेक कर लीजिएगा, मेरे थोड़ा नमक कम था तो मैंने दे दिया।